नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के मानकों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआ में प्रदेश के विभिन्न दुग्ध संघों के प्रोडक्शन एवं लैब कार्मिकों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक निबंधक डेयरी विकास संजय कुमार एवं प्रशासक उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन मुकेश बोरा ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआ में किया। प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए निदेशक निबंधक डेयरी विकास संजय कुमार एवं प्रशासक उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन मुकेश बोरा ने कार्यशाला के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से अपील कर कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में समय की मांग को देखते हुए अपने अपने संस्थानों में तैयार किए जा रहे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी के मानकों की उचित जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन जरूरी है। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से अपील कर कहा कि उन्हें आशा है कि उक्त प्रशिक्षण उपरांत इसका लाभ अपने संस्थाओं एवं आंचल उपभोक्ताओं को मिल सके, ऐसा प्रयास करें। प्रशिक्षण में उत्तराखंड राज्य के 11 सहकारी दुग्ध संघों के 27 अधिकारी कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। लखनऊ से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि जब से हमारे प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगुणा जी ने अपना मंत्रालय संभाला है मार्च 2022 से, तब से निरंतर उनका प्रयास है कि जो आंचल ब्रांड है ये घर घर का ब्रांड बने, हर शहरवासी का ब्रांड बने, हर पर्यटक का ब्रांड बने कि आंचल के प्रोडक्ट को और आंचल दूध को वो सर आँखों पर बैठाए। उसके लिए प्रथम दृष्टया हमने माना कि हमारी क्वालिटी और पैकिंग और शुद्धता तीनों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, क्योंकि आप जानते हैं वो पहले भी विभिन्न कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों में अधिकारी रह चुके हैं माननीय मंत्री जी, तो उनके दिशा निर्देशन में और हमारे जो निबंधक महोदय हैं श्रीमान संजय खेतवाल जी, उनके दिशा निर्देशन में निरंतर फेडरेशन को और दुग्ध संघों को प्रेरित करा जा रहा है कि आप अपना प्रशिक्षण बढ़ाएँ, अपनी गुणवत्ता बढ़ाएँ। तो उसी के क्रम में हम सबका सौभाग्य है कि आज निबंधक श्रीमान संजय खेतवाल जी के करकमलों से इस प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का, FSSAI के प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में पहला प्रशिक्षण डेयरी का होगा जिसमें पूरे प्रदेश के दुग्ध संघ के अधिकारी कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण को लेने के बाद निश्चित रूप से जो दूरस्थ जनपद, चाहे चमोली है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है या नैनीताल उधम सिंह नगर है, सब दुग्ध संघों की उत्पादों की गुणवत्ता और बेहतरीन होगी। तो निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री सौरभ अगुणा जी का सपना है कि आंचल ब्रांड प्रदेश से बाहर भी जाना चाहिए, तो उसमें हम सफल होंगे। और निश्चित रूप से आंचल ब्रांड प्रदेश से बाहर भी जाएगा तो निश्चित है कि हम अपने उत्पादक को जहां 1 वर्ष में 8 रुपये बढ़ाया तो आने वाले समय में और अधिक मूल्य देंगे। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसान की आय को दुगुना करना है, तो उसको भी चरितार्थ करने में डेयरी सेक्टर, हमारी दुग्ध समितियाँ, हमारे दुग्ध संघ और फेडरेशन अग्रणी रहेंगे। और उसमें डेयरी विकास विभाग का निरंतर हमको सहयोग मिल रहा है और मुझे उम्मीद है सरकार हमारी प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ा करके हमारे उत्पादकों को और खुशहाल करेगी, ऐसा मैंने आग्रह भी अपने निबंधक और निदेशक महोदय से कराया। और ये हमारा FSSAI के अंदर जो फूड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, हमारे फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय अध्यक्ष और MD साहब इसके लिए प्रथमतः उत्तरदायी हैं। और जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है ये इसको संचालित कर रहा है, इसमें हमारे एक्सपर्ट के रूप में दीपक कुमार जी FSSAI से आए हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न दुग्ध संघों से, पूरे उत्तराखंड के दुग्ध संघों से लगभग 30 के आसपास प्रशिक्षणार्थी आए हैं, उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें फूड सेफ्टी के संबंध में उसके क्या थ्योरेटिकल पार्ट हैं, क्या टेक्निकल पार्ट हैं, उन सभी की जानकारी दी जाएगी, जिससे हमारे जो भविष्य में हमारे जो दुग्ध संघ हैं, जो दुग्ध उत्पाद बनते हैं, उसको क्वालिटी को ठीक रखने में ये मदद करेगा उनको। तो ये ट्रेनिंग का, क्योंकि वर्तमान में बहुत अधिक महत्व है, ये लीगली हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्वालिफाइड लोग हों, तो उसी के तहत देखते हुए फेडरेशन ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।